चलो 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 वीडियो शूट करेंगे, अच्छे से बैठ जाना उन्हें। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। धूप की वजह से आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं होगा। हेलो बोलो सब, हेलो बोलो, हेलो। तो ये सारे बच्चे हैं, थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज से मैं इन लोगों के लिए स्कूल खोल रही हूँ। तो एक दो दिन में इन लोगों का पूरा सामान आ जाएगा और उसके बाद इन लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो उधर फ़ोन बज रहा है, इसी को बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो बस इतना बोलना चाहेंगे कि ये इनके लिए मेरे से जितना सपोर्ट होगा मैं करूँगी और इन लोगों को पढ़ाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि कोई अभी खर्च दे रहा है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आगे चल के कोई अगर वीडियो देखेगा तो कोई भी अगर कुछ भी हेल्प करना चाहता है बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, सीधा बेटा, उनके पढ़ाई के लिए तो दे सकता है। बस इतना बोलूँगी। और ये बच्चे लोग कैसे हैं अभी आप लोग देख लीजिए, फार्म में ऐसे ही धूल मिट्टी में घूमते रहते हैं। और उनके मम्मी पापा सुबह से चले जाते हैं काम, दोपहर को आते हैं, खाना खा के फिर से चले जाते हैं। और बच्चे ऐसे ही मिट्टी में घूमते रहते हैं, नहाते नहीं हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, बदमाशी मत करो, उधर देखो, चलो उधर देखो। तो टोटल 11 बच्चे हैं अभी, और 2-3 बच्चे अभी उनको बुलाने के लिए भेजी हूँ मैं। तो इतने बच्चे लोगों को हम लोग, मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाऊँगी, और उनके माँ बाप पापा को भी अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। और उनके भविष्य के लिए पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों के। और काफ़ी ज़्यादा गंदगी में रहते हैं, मिट्टी होते रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता है, इधर उधर हमेशा घूमते रहते हैं। तो घूमने से अच्छा है मैं इन लोगों के लिए कम से कम दिन में 2 घंटा टाइम निकालूंगी और इनको पढ़ाऊंगी। और इनके लिए मैं क्या बोलते हैं, स्कूल खोल रही हूँ, समझ लीजिए आप लोग। और जिसको भी सपोर्ट करना हो आप लोग कर सकते हैं। और इनके मम्मी पापा क्या है, काम में चले जाते हैं तो बच्चों को कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होता है। तो इसके चलते ये लोग अच्छे से नहा धो के रहेंगे, पढ़ेंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे, कुछ सीखेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी, शिक्षित बनेंगे। अभी इनका उम्र भी हो चुका है पढ़ाई के, पहली दूसरी क्लास पढ़ने के लायक हो गए हैं। और कहाँ तक पढ़ा था ये देखो, इतना बड़ा बच्चा है, दूसरी पढ़ रहा था, अभी उसको पढ़ाई छुड़वा के उनके मम्मी पापा काम करने के लिए आ गए हैं। तो कम से कम इतना कि ये लोग खुद से पढ़ना लिखना जानें, मैं कोशिश करूँगी इनको सिखाने के लिए। और काबर स्कूल में छोड़ दें, उड़ीसा तो ये बच्चा जो है उड़ीसा है, और ये आधा बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के हैं। तो सबको हम मैं पढ़ाऊँगी हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि मुझे तो उड़िया नहीं आता है, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊँगी जितना मेरे से हो सकेगा। मैं अच्छा अच्छा इन लोगों को पढ़ाने का कोशिश करूँगी, इन लोगों को खेल कूद करवाएँगे, सिखाएँगे हर चीज़। छोटा एक दिन में तो नहीं होगा, और सब वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाएँगे कि अभी देख लीजिए बच्चे लोगों का हालत भी देख लीजिए कैसे हैं अभी ये लोग, और आगे इन लोगों के में कितना सुधार आता है वो लोग आप लोग बताइएगा। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी, पहले 5-6 बच्चे थे, अभी 5-6 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, मतलब 2-3 दिन हुआ है अभी फार्म में आए हैं, तो काफ़ी बच्चे हो गए हैं। तो अभी 10-12 बच्चे हैं, तो इन लोगों को, इतने लोगों को मैं पढ़ाऊँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस बहाने मैं बिजी भी रहूँगी, मुझे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, अकेले रहूँगी, परेशान होते रहूँगी, उससे अच्छा इन लोगों के भविष्य के लिए अगर मैं कुछ अच्छा काम करूंगी तो भगवान इससे अच्छा मौका मेरे को नहीं देगा। तो आप लोग सब पढ़ोगे ना? हाँ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ोगे ना? उधर बोलो, सब लोग पढ़ेंगे, हम लोग बोल के उधर बोलो, मोबाइल में बोलो, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे ना हम लोग, ऐसे बोलो। पढ़ोगे ना तुम लोग? सब लोग पढ़ाई करोगे ना? हाँ, तो सब लोग हाँ बोल रहे हैं, अभी डर रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। और कोशिश करूँगी कि ये लोग साफ सफाई से भी रहें। क्या होता है कि ये लोग गंदगी में घूमते रहते हैं, इधर उधर मट्टी खेलते हैं, तो मेरा मोनू भी देख के चुप से नहीं रहता है, उनके पास चला जाता है, मट्टी खेलता है ये भी। तो ये बच्चे लोग अगर पढ़ाई करेंगे, बोलते हैं ना जैसे बच्चे लोग देखते हैं वैसे सीखते हैं, तो सब बच्चे अच्छे से रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, देखेंगे तो जो छोटे बच्चे होंगे वो लोग भी सीखेंगे। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ इन लोगों को पढ़ाना। अगर आप लोग कोई मदद करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और बच्चों के लिए।
ऐसा नहीं है कि हमारे लिए मांग रहे हैं, बच्चों के लिए, क्योंकि मैं ये अपने खुशी के लिए खुद से कर रही हूँ और बच्चों के भविष्य को देख के ऐसे मत सीधा करो। तो ठीक है फ्रेंड, तो 2-3 दिन में इन लोगों के लिए कोशिश करेंगे सामान लाने का, और जैसे पैसा नहीं हो पाता है तो जुगाड़ करेंगे कहीं से भी पैसा इन लोगों के लिए, इतना कि कम से कम इनके लिए एक स्लेट पेंसिल हो जाए, बोर्ड हो जाए, और बस इतना कोशिश करेंगे। और आप लोगों को मेरा ये क्या बोलते हैं प्लान जो है कैसा लगा कमेंट करके बताना, कि मैं इन लोगों के लिए अच्छा फैसला ली हूँ या नहीं ली हूँ ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ स्कूल काफ़ी दूर है और परदेश में है। क्यों जा रहे हो भाई? बैठो चलो दे दो उसको, मैं बाद में दूँगी। तो ये देख लीजिए ऐसे ही हैं, लड़ाई होते रहते हैं, चोट भी लगता है इन लोगों को, दिन भर इन लोगों का यही काम है। तो मैं अच्छा फैसला ली हूँ कि नहीं ली हूँ आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट करके, और मुझे खुशी होगा कि आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो परदेश है ये और यहाँ कनाडा तेलुगु पढ़ाया जाता है, जो बच्चे हमारे यहाँ के बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, और स्कूल काफ़ी दूर है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है इनको स्कूल भेजने का, तो मैं सोच रही हूँ इनको यहीं पे घर में बैठा के पढ़ाऊँ। तो आप लोगों को मेरा ये फैसला कैसे लगा आप लोग अपना भी राय दीजिएगा ज़रूर और बताइएगा मुझे। और बहुत ही खुशी का बात हो रहा है मेरे लिए कि मैं इनके लिए ये काम करूँगी। तो आप लोगों को भी कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम लोग वीडियो बना के दिखाएंगे भी कि हम लोग क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब चीज़ दिखाएंगे। तो बस इतना बोलना चाहूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय अभी के लिए, सब लोग बाय बाय बोलो, बाय बाय, और सब लोग नमस्ते बोलो अच्छे से, नमस्ते उधर देख के बोलना ठीक है, और सब लोग डेली बात करना ना ठीक है ना, और डेली ब्रश भी करना, साफ सफाई से स्कूल आना ना ठीक है ना। तो अभी देख लीजिए इनको थोड़ा मैं सही करूँगी, मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे लोग अच्छे से रहें, और क्या है कि अच्छे बीमार नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा गंदगी के रहना है इसके वजह से बाकी लोगों को बुखार आ गया, किसको बुखार आया, उसको बुखार आया, उसको और लड़की को भी बुखार आया। तो ठीक है, तो सब लोग एक एक करके अपना नाम बताना ठीक है, और अच्छे से आवाज़ में बताना, ऐसा नहीं कि एकदम धीरे बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा ठीक है। अपना नाम बता। रोशन। मेरा नाम रोशन है, ऐसे बोल। मेरा नाम रोशन। हाँ, तो इनको अभी हिंदी भी अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज है हम लोगों का छत्तीसगढ़ी, वही बोलते हैं, तो ये इस बहाने में ये लोग हिंदी भी सीख जाएंगे। और अपना नाम बताओ, चलो। गोरिमा। मेरा नाम गोरिमा है, अच्छे से बैठ के बताओ, अच्छे से बैठो, मेरा नाम गोरिमा है दीदी, ऐसा बोलो। हाँ, और अपना नाम बताओ भाई। आसमान। तो बोलो मेरा नाम आसमान है। मेरा नाम आसमान है। तुम बताओ। दामिनी। बोलो मेरा नाम दामिनी है। मेरा नाम दामिनी। कौन सा नाम? नबिता। 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 बोलो मेरा नाम नबिता है। मेरा नाम नबिता है। हाँ, और नाखून नहीं चबाना ठीक है, नीचे रखो हाथ, तो अच्छे से बैठना। आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। मयंक। मयंक नाम बताओ। मेरा नाम मयंक है, बोलो। तो बच्चा डर रहा है, अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन सीख जाएगा। और अपना नाम बताओ रोशनी। मेरा नाम रोशनी है, बोलो। चल, हाँ, और अच्छे से बैठना सब लोग, हाथ वाथ इधर उधर नाक में मुंह में नहीं डालना ठीक है, गंदा रहते हो ना, तो तुम लोग डेली हाथ वहाँ धो के, पैर वैर धो के अच्छे से पढ़ने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड, सारे बच्चों का नाम आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, और नीनी छोटी अभी बोल नहीं सकती है, मेरा मोनू भी उतना अभी बात नहीं कर पाता है, अपना नाम नहीं बोल पाता, तो आप लोग तो अभी इनका नाम जानते हैं, और नीनी का नाम आयत है, मैं बता दे रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, हम मिलते हैं आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में। तो हम लोगों का जब स्कूलिंग चालू होगा उस फर्स्ट डे का, तो ये वाला को हम आशीर्वाद ब्लॉग चैनल पर डालेंगे, और जब स्कूलिंग स्टार्ट होगा तो आशीरानी महाजन चैनल पे आएगा वीडियो, तो आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आशीरानी ब्लॉग और आशीरानी महाजन। तो ये बच्चों से रिलेटेड सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे, जितना भी हम लोग बनाएंगे उसको अपलोड करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई सहयोग करना चाहता है तो भी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, सब बाय बाय बोलो, बाय बाय।